हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के यहाँ पर ऑनलाइन में एप्लीकेशन के फॉर्म निकला हुआ है, पोस्ट है अप्रेंटाइज के, ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए। दोस्तों यहाँ पे इसका डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड MPPGCL ऑनलाइन आर इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ट्रेड अप्रेंटाइज इन ITI ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2018 टू 2019। तो दोस्तों, जो लोग यहाँ पे एलिजिबल करेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे डिटेल्स में बता देता हूँ कि क्या क्या आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन शुरू हो गया है 6 दिसंबर 2018 से और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2018। और इसका एग्ज़ाम और मेरिट लिस्ट जो कि आपका डेट अभी तक नहीं दिया गया है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपका डेट जो है वो बहुत जल्द आपका मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि है, यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना पड़ेगा। आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज या फीस, एग्ज़ाम फीस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, वैकेंसी जो है यहाँ पे 209 पोस्ट है, एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। पोस्ट नेम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा, टोटल पोस्ट है 6 और 4 मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपको डिग्री वालों के लिए 4 पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए 3। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए जो लोग डिग्री कर चुके हैं उन लोगों के लिए 1 पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए 1 पोस्ट है। फिटर के लिए ITI 50 पोस्ट है, वेल्डर के लिए ITI क्वालिफिकेशन 25 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए ITI क्वालिफिकेशन चाहिए, 50 पोस्ट है। मैकेनिक के लिए यहाँ पे आपको ITI पास होना चाहिए, उसके साथ साथ 15 पोस्ट है। पेंटर सिविल के लिए ITI 10 पोस्ट है, वायरमैन के लिए ITI 10, टर्नर के लिए ITI 5 पोस्ट है एंड प्रोडक्ट मैकेनिक के लिए ITI 10 पोस्ट है। डीजल मैकेनिक के लिए ITI क्वालिफिकेशन एंड 15 पोस्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों, एलिजिबिलिटी के क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे दिया गया है, डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड इन SCVT NCVT इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और अप्लाई ऑनलाइन में अप्लाई करने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन होता है या इस जॉब के लिए कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसका अगर आप चेक करना चाहते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।